प्रतिनिधि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात, यूपी को आज मिला तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 260 करोड़ की लागत से बना है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पूर्वांचल के लोगों को होगा फायदा। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पीएम मोदी का स्वागत, पीएम को भेंट की बुद्ध की प्रतिमा। कार्यक्रम में शामिल हुआ श्रीलंका से आया डेलीगेशन, 37 देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कुशीनगर एयरपोर्ट पर श्रीलंका से आए 1240 सदस्य दल का सीएम योगी और संस्कृति मंत्री ने किया स्वागत, 155 सदस्य बौद्ध भिक्षुओं और श्रीलंका के मंत्रियों को लेकर पहुंचे थे फ्लाइट। पीएम मोदी ने श्रीलंका से आए डेलीगेशन का किया स्वागत, कहा बुद्ध के अनुयायियों को एयरपोर्ट की बधाई। सीएम योगी ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा यूपी के विकास की नई उड़ान, पूर्वी यूपी आजादी के बाद से उपेक्षित। कुशीनगर एयरपोर्ट उद्घाटन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, पूर्वांचल से वादा पूरा किया, सबके प्रयास से सबका हो रहा विकास। पीएम मोदी ने कुशीनगर एयरपोर्ट को दशकों की आशाओं का परिणाम बताया, कहा एयरपोर्ट से कुशी में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पीएम मोदी बोले कुशीनगर आस्था और प्रेरणा का केंद्र, एयरपोर्ट का सबसे ज्यादा फायदा टूरिज्म को मिलेगा। पीएम मोदी का 3 महीने बाद पूर्वांचल दौरा, 25 अक्टूबर को वाराणसी और सिद्धार्थनगर जाकर फिर करेंगे पूर्वांचल का दौरा। कुशीनगर के महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, मंदिर में लगाई गई प्रदर्शनियों को पीएम ने देखा, मंदिर का इतिहास बताती हैं प्रदर्शनियां। पीएम मोदी ने मंदिर में की भगवान बुद्ध की पूजा, मंदिर में स्थापित की गई है भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा। भगवान बुद्ध के दर्शन के बाद मंदिर में घूमे पीएम मोदी, मंदिर में बनाए गए पार्क का निरीक्षण किया। मंदिर में पीएम मोदी ने लगाया बोधि वृक्ष, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदी बेन पटेल मौजूद रहे। मंदिर में आयोजित अभिधम्म कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्वर्गत की भगवान बुद्ध का पवित्र स्मृति चिन्ह लेकर आया है प्रतिनिधि मंडल। पीएम मोदी ने बौद्ध भिक्षुओं को दान किया चीवर, श्रद्धा भाव से बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाता है चीवर। कुशीनगर में बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव में हिस्सा लेने आए बौद्ध भिक्षु को देखकर काफी खुश हुए, कहा पीएम मोदी के बीच आकर खुशी हुई। कुशीनगर को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात, पीएम मोदी ने किया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, सीएम योगी मौजूद रहे। यूपी में आज मनाई जा रही महर्षि वाल्मीकि जयंती, योगी सरकार ने प्रदेश के सभी डीएम और कमिश्नर को चिट्ठी लिखी, सभी जिलों में दीप जलाकर रामायण पाठ कराने का निर्देश दिया। यूपी की सियासत में ओमप्रकाश राजभर का मास्टर स्ट्रोक, अखिलेश यादव से मुलाकात कर किया गठबंधन का ऐलान, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने पुष्टि की। यूपी में चुनाव से पहले गठबंधन की सियासत पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बड़ा बयान आया सामने, कहा बीजेपी को हराना है तो गठबंधन जरूरी, सपा को निभानी चाहिए बड़े भाई की भूमिका। आगरा में पुलिस हिरासत में हुई सफाईकर्मी की मौत, मामले में गरमाई सियासत, आगरा जाते वक्त पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का विवादित बयान आया सामने, सपा बसपा और कांग्रेस के नेताओं को बांधकर पीटने की बात कही, कहा हमने एक सेना तैयार की है जो नेताओं से हिसाब पूछेगी। प्रसपा की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा पहुंची महोबा, शिवपाल यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर। मथुरा में शरद पूर्णिमा पर भक्तों ने किए बांके बिहारी के दर्शन, ठाकुर जी का श्वेत रंग से हुआ श्रृंगार। उत्तरकाशी में भाजपा मंडल अध्यक्ष को हटाने से घमासान शुरू, करीब 40 पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भेजा इस्तीफा। पहाड़ पर आई आपदा पर गंभीर धामी सरकार, जीयूपी उत्तराखंड पर बोले आपदा से हुआ बड़ा नुकसान, धीरे धीरे होंगे हालात सामान्य। पहाड़ पर आई आपदा पर सीएम धामी ने की पीएम मोदी से बात, कहा हर संभव मदद का मिला है भरोसा, उत्तराखंड के हालात का जायजा लेने आज शाम पहुंचेंगे अमित शाह। पहाड़ पर हुई आफत की बारिश ने मचाई तबाही, सीएम धामी ने संभाला मोर्चा, खटीमा पहुंचकर लिया हालात का जायजा, ट्रैक्टर पर बैठकर जाना इलाके का हाल।
उत्तराखंड में भारी बारिश से बिगड़े हालात, अब तक 46 की मौत, नैनीताल में हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। उत्तरकाशी के लकमा गए 8 ट्रैक्टर समेत 11 लोग लापता, ट्रैक्टर्स के लापता होने की सूचना एजेंसी ने प्रशासन को दी, एसडीआरएफ की टीम ट्रैक्टर्स की खोज के लिए रवाना। काशीपुर में कुदरत का कहर, कोसी और ढीला नदी उफान पर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, राहत और बचाव कार्य जारी। चंपावत के पहाड़ी इलाकों में बारिश से हालात बेकाबू, शारदा किनारे बसे 2 दर्जन से ज्यादा गांव और बस्तियों में जल भराव। उत्तराखंड के रुद्रपुर में जल भराव और मलबा आने से परेशानी बढ़ी, एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। उत्तराखंड में बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हल्द्वानी, गौलापार का पुल बाढ़ में बहा, गौलापार को हल्द्वानी से जोड़ता था पुल। उत्तराखंड में बाढ़ ने मचाई तबाही, हिमालय रीजन के धारचूला में दिखा बाढ़ का विकराल रूप, चारों तरफ से तबाही का मंजर। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ के बाद अब भूस्खलन का खतरा, नैनीताल में कई जगहों से भूस्खलन की तस्वीर आई सामने। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद 11 लोग अभी भी लापता, 12 घायलों का इलाज जारी, मौसम साफ होने की वजह से तेजी से जारी है राहत और बचाव कार्य। 2 दिनों से हुई लगातार बारिश के बाद नैनीताल के कई इलाकों में बिजली और पेयजल आपूर्ति बाधित, हल्द्वानी की कई कॉलोनियों में नहीं आया 2 दिनों से पानी। रामपुर में रेस्क्यू काम में जुटी एसडीआरएफ की टीम, बाढ़ प्रभावित इलाकों में तेजी से जारी है राहत और बचाव कार्य। पीलीभीत में बाढ़ में फंसे लोगों का एयरफोर्स ने किया रेस्क्यू, 26 ग्रामीणों का अब तक किया गया है रेस्क्यू, शारदा नदी में आई बाढ़ में फंस गए थे लोग। रामपुर में लालपुर के बैराज में फंसे युवक का एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, ड्यूटी कर लौट रहा था युवक। रामपुर में भारी बारिश का कहर, सदर तहसील इलाके के 10 गांवों में पानी भरा, एनडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। रामपुर में बारिश के चलते दिल्ली हाईवे पर आया बाढ़ का पानी, हाईवे पर फंसे दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाले वाहन। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी उफान पर, मैलानी से नानपारा बहराई छोटी रेल लाइन आई कटान की चपेट में। मुरादाबाद में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर आया बाढ़ का पानी, जलभराव के कारण सिहोरा वाजे गांव के पास यातायात बाधित। बिजनौर में बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा, कई इलाकों में पानी भरा, सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद। लखीमपुर में घाघरा नदी के तेज बहाव में बही नाव, नाव में सवार 10 लोग लापता, सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया। उत्तराखंड में आई बाढ़ का बिजनौर में दिख रहा है असर, बिजनौर में जारी किया गया अलर्ट, रामगंगा डैम से छोड़ा गया 10,000 क्यूसेक पानी। बुलंदशहर में अचानक सड़क धंसने से ट्रक और बस गड्ढे में फंसे, बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित, सीवर लाइन डालने के बाद खोखली हुई सड़क। लखीमपुर हिंसा मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट, कोर्ट ने कहा मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस दर्ज करे सभी पीड़ितों के बयान, 26 अक्टूबर को होगी मामले में आगे की सुनवाई। बुलंदशहर में यूपी के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल शर्मा के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में केस दायर, अवैध तरीके से जमीन कब्जाने का आरोप। अलीगढ़ में मामूली विवाद में चचेरे भाई ने भाई को गोली मार दी, गंभीर हालत में शख्स अस्पताल में भर्ती, भूसा बेचने को लेकर हुआ था विवाद। कानपुर में रोक के बावजूद जुलूस ए मोहम्मदी के जुलूस पर 303 लोगों पर केस दर्ज, 3 नामजद लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। बलिया में 2 बाइकों की टक्कर के बाद दोनों पक्षों में जमकर बवाल, जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने दर्ज किया केस, 10 लोग गिरफ्तार। शाहजहानपुर में हुई वकील की हत्या के विरोध में लखनऊ बार एसोसिएशन ने किनारेबाजी, सरकार के खिलाफ वकीलों में दिखा गुस्सा। शाहजहानपुर कोर्ट परिसर में हुई वकील की हत्या के विरोध में प्रयागराज में वकीलों ने किया काम का बहिष्कार, लोगों को हो रही है परेशानी। सुल्तानपुर में नाबालिग के साथ रेप का आरोप, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। बुलंदशहर में प्रेमिका के साथ पार्क में बैठे पति को पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, पुलिस ने की शख्स की पिटाई, आरोपी हिरासत में। आगरा में थाने की मालखाने से 25 लाख की चोरी का मामला, पूछताछ के दौरान शख्स की मौत, पुलिस महकमे में हड़कंप। संभल में उधार की रकम न देने पर युवक ने काटा शख्स का होंठ, भीड़ ने आरोपी को पीटा, पुलिस के हवाले किया।
अलीगढ़ में युवक की मौत के बाद परिजनों ने शव रखकर लगाया जाम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर मामला शांत करवाया। चंदौली में स्कूल के पास अजगर निकलने से हड़कंप, अजगर को देखने के लिए उमड़ी भीड़। वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू किया। बिजनौर में सड़क हादसे में गई दो युवकों की जान, बेकाबू ट्रक ने मारी थी बाइक को टक्कर, जांच में जुटे पुलिस। कन्नौज में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ट्रक में लगी आग, 9 मजदूर झुलसकर हुए घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाहजहांपुर में वकील की हत्या के विरोध में रायबरेली में वकीलों ने एक दिन का कार्य बहिष्कार किया, कचहरी परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई। ललितपुर में खाद नहीं मिलने से बढ़ गए किसान, सड़क पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन, पर्याप्त मात्रा में खाद होने के बाद भी न देने का आरोप। प्रयागराज में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन, बांग्लादेश और कश्मीर में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर यह विरोध किया। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर विश्वनाथ जोशी ब्राह्मण समिति ने मां गंगा का किया भव्य पूजन, 51 लीटर दूध से किया अभिषेक। कश्मीर में टारगेट किलिंग का एक और बदला पूरा, पुलवामा में मजदूर की हत्या करने वाले आदिल वानी समेत दो आतंकी ढेर, दो हफ्ते में 10वें एनकाउंटर में अब तक मारे गए 15 आतंकी। मुंबई रेप पार्टी केस में आरन खान को बड़ा झटका, 17 दिन बाद भी नहीं मिली जमानत, एनटीपीएस कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज किया। सीबीआई सीवीसी सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा गरीबों को लूटने वालों पर रहम नहीं, लूटने वाला कितना भी ताकतवर हो अब बचेगा नहीं। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी का प्रहार, कहा सरकार और सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए, न्याय से ही सुराज संभव। पीएम मोदी ने कहा ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी पर हमारी सरकार का जोर, सरकार के दखल को कम करना हमारा मकसद। अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास भारत की तैयारी, तैनात की L-70 एयर डिफेंस गन, मिले का मुंह तोड़ जवाब। अरुणाचल में एलएसी के पास सैनिक तोप, एयर डिफेंस टैंक और लॉजिस्टिक यूनिट्स की तैनाती, कई बार घुसपैठ करने की कोशिश कर चुका है चीन। कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द करेंगे अपनी पार्टी का ऐलान, मीडिया सलाहकार का ट्वीट, अगर किसानों के हित में होता है किसान आंदोलन का समाधान तो बीजेपी से गठबंधन की उम्मीद। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,623 नए केस आए सामने, एक दिन में कोरोना संक्रमण से 197 की मौत। देश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 99 करोड़ के पार हुआ। 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन की दहलीज पर भारत, 21 अक्टूबर को कोरोना के टीके का 100 करोड़ डोज के आंकड़े छूने की संभावना। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,638 नए मामले, 49 मरीजों की मौत। उत्तर कोरिया में अमेरिकी राजदूत और कोरिया गणराज्य के विशेष प्रतिनिधि के साथ बैठक, पेनिनसुला के मुद्दों पर हुई बातचीत। नॉर्थ कोरिया ने कबूली मिसाइल लॉन्च के बाद कहा SLBM मिसाइल का किया गया है परीक्षण, सबमरीन से किया गया था लॉन्च, पुराने मिसाइल से कई गुना ज्यादा है इसकी मारक क्षमता। ऑस्ट्रेलिया में पटरी से उतरी ट्रेन, ट्रैक के पास खड़े वाहन से हुई थी टक्कर, घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्पेन के ला पाल्मा में सक्रिय ज्वालामुखी का कहर जारी, एक महीने से लगातार बह रहा है लावा, ज्वालामुखी से निकलती राख ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। सीरिया में फिर हुआ आतंकी हमला, हमले में 13 आर्मी के जवानों की हुई मौत, 3 लोग घायल। चाइनीज डिवाइस से मिल रहा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा, ट्रांजेक्शन में यूज हो रहे हर 5 में से 4 ब्रांड चीन। खैर विवादों में जोमैटो कंपनी के कर्मचारी ने हिंदी नहीं आने पर तमिलनाडु के ग्राहक से बहस की, कंपनी को मांगनी पड़ी माफी। अमेरिकी अदालत में नीरव मोदी की अपील खारिज, बैंकों के 1 अरब डॉलर हड़पने का आरोप हटाने की मांग की थी। सितंबर में देश में 70 लाख से ज्यादा यात्रियों ने की हवाई यात्रा, सालाना आधार पर 79% से ज्यादा। कर्मचारियों को दिवाली पर बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार ने 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस देने का किया ऐलान।
रिलायंस रिटेल की नई कामयाबी, फैशन डिजाइनर ऋतु कुमार की कंपनी में 52% हिस्सेदारी का किया अधिग्रहण। टी20 वर्ल्ड कप में भारत का दूसरा अभ्यास मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, रोहित शर्मा को कप्तानी, विराट कोहली को दिया गया आराम। पाकिस्तान के खिलाफ 24 अक्टूबर को भारत का पहला मुकाबला। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का आज स्वीडन की टीम से मुकाबला, मैत्री मैच में स्वीडन की शीर्ष स्तर की टीम से भिड़ंत। दुबई के मैडम तुसाद म्यूजियम में विराट कोहली का मोम का पुतला लगाया गया, टीम इंडिया की नई जर्सी पहने नजर आ रहे हैं कोहली। श्रुति हसन का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में श्रुति खूबसूरत मेकअप करती हुई नजर आई। रवि दुबे ने सरगुण मेहता के साथ खूबसूरत अंदाज में बिखेरा जलवा, फैंस को पसंद आया रवि और सरगुण का अंदाज। दिव्यांका त्रिपाठी ने मजेदार वीडियो शेयर किया, वीडियो में दिव्यांका जमकर मस्ती करती हुई नजर आई। रुबैना धिलाइक का नया वीडियो आया सामने, रुबैना व फिली वादियों में फुर्सत के पलों को एंजॉय करती हुई नजर आई।